उन्नाव में सिंचाई व्यवस्था राम भरोसे है। यहाँ 16 विकास खंडों में 230 राजकीय नलकूप हैं। बावजूद इसके किसान सिंचाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। वजह ये है कि इनमें 50 से ज्यादा नलकूप खराब पड़े हुए हैं। हद तो तब हो गई जब शिकायत पर विभागीय अधिकारी गलत सूचनाएं देकर अपने उच्च अधिकारियों और शिकायतकर्ता को भ्रमित कर दिया। दरअसल नलकूप खंड के जिले में 230 नलकूप हैं। औसतन एक नलकूप से 500 बीघे के लिए सींच की व्यवस्था की गई है, लेकिन नलकूप खराब होने के साथ ही सिंचाई के लिए बनी गुल और नालियां खराब होने की वजह से ये व्यवस्था हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक जनपद में लगभग एक दर्जन ऐसे नलकूप है जो कि 10 सालों से खराब पड़े हुए हैं। बाकी किसी न किसी वजह से कई सालों से खराब पड़े हैं, जिसकी लिखित शिकायत समाज सेवी अंजनी कुमार पाठक ने CDO और जल शक्ति मंत्री को दी थी, जिसका जवाब भी आया और कागजी कोरम भी पूरा किया गया, जिसमें सभी नलकूप ठीक बताए गए, लेकिन हमारी पड़ताल में स्थितियां जस की तस पाई गईं। इस मामले में हमने कार्यालय पर जाकर अधिशासी अभियंता से बात करनी चाहिए तो पता लगा कि अधिकारी महोदय हफ्ते में कभी कभी दफ्तर आते हैं। जनपद में 230 राजकीय नलकूप हैं, जिसमें विभागीय लापरवाही के चलते 70 से 80 नलकूप खराब चल रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने की थी। शिकायत पर एक्सियन नलकूप ने बताया कि सारे नलकूप ठीक करा दिए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि आज भी 70 से 80 नलकूप खराब हैं। इस बात को लेकर के आपने आगे कहीं शिकायत की है क्या? जी, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश को हमने एक शिकायती पत्र भेजा है, इसमें कहा है कि सिंचाई व्यवस्था जनपद में सुधार की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि फसल उत्पादन में सिंचाई की बहुत आवश्यकता रहती है। सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन जब उन्हें समय पर पानी ही नहीं मिलेगा तो आमदनी कैसे बढ़ेगी। उधर एक पत्र के जवाब में नलकूप खंड के अधिशासी अभियंता संतलाल प्रसाद ने बताया कि सभी नलकूपों को ठीक करा दिया गया है और सभी पूरी क्षमता के साथ काम भी कर रहे हैं। वहीं जब मामले की शिकायत CDO उन्नाव से की गई तो उन्होंने जांच का आश्वासन देकर कार्रवाई करने को कहा है। मैं ब्लॉक बिघापुर ग्राम किलोली का निवासी हूं। हमारे यहां का नलकूप 6 साल से खराब हुआ है, आज तक कोई भी अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आया। हम किसान भाई बहुत परेशान हैं, कोई पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। इस संबंध में एक्सियन नलकूप से सूचना मांगी गई है, यदि उनकी रिपोर्ट में सभी नलकूप सही साबित किए गए हैं और उन्होंने ऐसी तथ्यात्मक जानकारी दी है, किंतु अगर फील्ड पर ऐसी विरोधाभासी रिपोर्ट आ रही है तो उसकी जांच करा ली जाएगी और अगर कोई भी संगति पाई जाएगी तो शासन के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय नहीं पहुंचते हैं अक्सर ये अधिकारी। इस संबंध में मैंने अपने स्टेनों से बोला है कि इनसे इनका वर्जन ले लिया जाए और अगर किसी भी औचक निरीक्षण में ये अनुपस्थित पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद उन्नाव में कुल 230 नलकूप हैं, जिनसे जो किसान है वो निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्राप्त करता है। उनमें से कुछ नलकूप खराब थे, जिसकी शिकायत अंजनी कुमार पाठक जो कि पत्रकार हैं उन्होंने अधिकारियों से की थी, उच्च अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की थी, जिसके जवाब में यहाँ के लगभग 6-7 महीने बाद उसका जवाब आता है इस कार्यालय से, जो कार्यालय का नाम है अधिशासी अभियंता यहाँ पे बैठते हैं नलकूप खंड में उन्नाव में, इसके अभियंता द्वारा यहाँ से एक जवाब आता है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी नलकूप खराब नहीं है, सबकी मरम्मतीकरण कर दिया गया है और किसान जो है उससे सुविधा प्राप्त कर रहा, सिंचाई उससे ले रहा है, सिंचाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सूचना थी ये पूरी तरीके से भ्रामक थी। ये अधिकारियों के साथ साथ में पत्रकार को भी सूचना गलत दी गई, क्योंकि हकीकत जो है वो आपके सामने है कि लगभग उन्नाव के 70 से 80 नलकूप ऐसे हैं जो अभी भी खराब पड़े हैं, और यही नहीं ये लगभग 6 या 7 साल से खराब पड़े हैं, लेकिन ये अधिकारी जो है भ्रामक सूचनाएं देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसकी शिकायत जो है फिर से एक बार अंजनी कुमार पाठक द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ साथ में मुख्य विकास अधिकारी को भी दी गई, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यवाही के आश्वासन दिए गए हैं। उन्नाव से अमृत विचार के लिए सत्यम वाजपेयी।